शहर भर में 9 दिनी नवरात्रि महापर्व का उल्लास छाया हुआ है। नवरात्रि के तीसरे दिन गरबा पांडालों में गरबों की शानदार धूम देखने को मिली। गुजराती समाज और संस्था रस रंग द्वारा आयोजित गरबों में बालिकाओं से लेकर युवतियों और महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ एक ताली, दो ताली और गुजरात के प्रसिद्ध छतरी गरबों की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। माता की भक्ति का महापर्व नवरात्रि धूमधाम से जारी है। मंगलवार रात गरबा पंडालों में जोरदार रौनक देखने को मिली और बालिकाओं के साथ युवतियों ने जमकर गरबा कर मां दुर्गा की आराधना की। गुजराती समाज और संस्था रसरंग द्वारा विजयनगर कॉलोनी परिसर में आयोजित गरबों में गुजरात का रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में बालिकाओं से लेकर महिलाओं तक गरबों की प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। बहुत बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर इन्जॉइंग अ लॉट। ये मेरी डॉटर है, मैं इसके साथ आई हूँ। हम दोनों पेयर बना के खेल रहे हैं। किस प्रकार के गरबे का आयोजन यहाँ पर किया है? यहाँ पर डांडिया गरबा भी है, फ्री स्टाइल भी है, एक ताली भी है और हिचक भी है। गुजराती समाज द्वारा भी गरबों का आयोजन किया जाता है जी? गुजराती समाज के द्वारा भी गरबों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है? हाँ, ये गुजराती समाज द्वारा ही किया गया है। यहाँ बहुत बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सब जेंट्री भी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, कोरियोग्राफर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये हमारी रसरंग संस्था है और ये 24वें वर्ष में आज प्रवेश कर रही है। इस वर्ष ये 24 वर्षों से सतत जो है गरबे और अनेक सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रही है। तो मूल रूप से इसकी स्थापना जो है गुजराती कल्चर को बढ़ावा देने के लिए की थी और आज भी हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आज हमारे जो गुजराती परिवार है जो बरसों से यहाँ पर बसे हुए हैं, धीरे धीरे वो गुजराती कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने कल्चर को संभाल के रखे, तो उनके लिए जितने कार्यक्रम गुजराती आवश्यक होते हैं, जैसे अभी ये हम गरबे का आयोजन कर रहे हैं, फिर कुछ गुजराती नाटक होते हैं, डायरा होता है, लोक संगीत होता है, ये सब प्रोग्राम हम समय समय पे कराते हैं। जैसे गरबा तो श्री गुजराती समाज ने हमको ये जो ग्राउंड ये प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर हो रहा है, और जो नाटक और ये जो बाकी के प्रोग्राम्स होते हैं ये ऑडिटोरियम में या तो लाभ मंडपम में होते हैं या रविन्द्र नाट्य गृह में होते हैं या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होते हैं। गुजराती संस्कृति को बढ़ाने वाली संस्था रसरंग प्रतिवर्ष इन गरबों का आयोजन करता है। इसके साथ ही शहर भर में गरबों के आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में नन्ही बालिकाओं से लेकर महिलाओं तक ने गरबा कर मां दुर्गा की आराधना की।